क्या आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है और कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में ऑटोमेटिक रूप से यानी कि नेचुरल रूप से अपने आप पैदा होने लगती हैं। तो यानी कि यहाँ पे मेन जो रूट कॉज है यानी कि मेन जो जड़ है वो क्या है, वो है यानी कि इतनी सारी बीमारियों के पीछे का जो मेन कारण है वो है हमारे शरीर के अंदर फैले हुए विषैले तत्व। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना के इसको डिटॉक्स करते रहना चाहिए। डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक ऐसी चीज आयुर्वेद में है, वर्णित है, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी 100% रूप से नेचुरल तरीके से डिटॉक्स होगी, सारे के सारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर से बाहर होंगे और अन्य कौन कौन सी बीमारियां जो इस टॉक्सिन्स के बढ़ जाने की वजह से आपके शरीर में आ चुकी हैं या फिर आ जाएंगी थोड़े दिन बाद वो कभी आ नहीं पाएंगी, और जो बीमारियां ऑलरेडी आ गई हैं तो सारी की सारी अपने आप बाहर निकल जाएंगी। कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में जरा जानिए। देखिए इतनी सारी बीमारियों में से मैं चार ऐसी कॉमन बीमारियों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे किडनी की बीमारियां। देखिए किडनी के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि बॉडी के अंदर विषैले तत्व बढ़ जाने से किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, अपना काम करते टाइम पे उसका प्रेशर बढ़ जाता है विषैले तत्वों का, जब वो बाहर नहीं कर पाती है तो किडनी की प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे पहले हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये प्रॉब्लम सेकंड नंबर पे होने वाली है यानी कि हो जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं जब हमारे शरीर के अंदर किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी और सेकंड नंबर पे जब बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो तीसरी एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक काम करना कम कर देती है, धीमा हो जाता है उसका कार्य करने का जो क्षमता है, वो है हमारा हार्ट। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में भरेगा तो हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, और जब वो पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड फ्लो हमारे पूरी की पूरी नसों में अच्छे तरीके से नहीं फ्लो हो पाएगा, यानी कि हार्ट की कमजोरी यहां पे बनेगी। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं जिन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली चौथी बीमारी है हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाना। क्योंकि दोस्तों जब खून की सप्लाई हमारे पूरे के पूरे बॉडी में अच्छे से सारे के सारे पार्ट्स में जब नहीं पहुंच पाएगी, सर्कुलेशन जब अच्छे से नहीं मेंटेन हो पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा कोने कोने तक, तो खून की कुछ पार्ट्स के अंदर या फिर बॉडी के काफी सारे पार्ट्स के अंदर में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इन चारों की चारों मेन जो बीमारियां सिर्फ एक चीज की वजह से यहाँ पे अगर बढ़ती हैं तो एक चीज को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए और बाकी सारी की सारी बीमारियां ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से आपके शरीर से बाहर होने लगेंगी। तो वो कौन सी बीमारी है जिसके बारे में हमने शुरू में वीडियो के शुरुआत में हमने जिक्र किया था, हमारे शरीर को डिटॉक्स करना यानी कि टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने वाली बीमारी। अब टॉक्सिन्स को शरीर से कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा और सस्ता सा आपके बीच में एक उपाय रखने जा रहा हूं, जरा इसको समझिए। दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी सारी की सारी तमाम प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो है चना प्लस शहद का कॉम्बिनेशन। अब इसको लेने का तरीका समझिए। देखिए दोस्तों इसमें आप मुट्ठी भर काले चने मुट्ठी भर रात को मिट्टी के बर्तन में एक गिलास पानी के अंदर आप भिगो के रख दें और सुबह उठने के बाद में इनको अच्छे से ग्राइंड कर लें, पीस लें और इसके अंदर दो बड़े चम्मच शहद के आप मिला लें और इसको सुबह खाली पेट आपने सेवन करना है। हर रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। दोस्तों ये जितनी भी मैं अभी सीरीज जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं सीजन के हिसाब से, यानी कि सर्दियों में हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, विंटर स्पेशल नुस्खे इनका मैं यहाँ पे एक सीरीज का नाम दूंगा और इसकी मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, उसमें सारे विंटर स्पेशल जितने भी वीडियो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा आपके बीच में, चाहे 10 वीडियो आए चाहे 15 वीडियो 20 वीडियो जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारे के सारे विंटर स्पेशल एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे की सारी वीडियोज को देख सकते हैं जो आपसे रिलेट करती हैं यानी कि जिनकी आपको जरूरत है वो सारे की सारी देख सकते हैं, और सारे की सारी वीडियो को देखने से आपको फायदा मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपकी सारी की सारी तकलीफों को दूर करेगा,
अब सुबह के टाइम पे खाली पेट लेने का फायदा आपको इतना जबरदस्त मिलेगा कि आपकी बॉडी धीरे 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 यानी कि टॉक्सिन्स जो बढ़े हुए हैं वो सारे के सारे मल द्वार से आपके बाहर होना चालू होंगे या फिर बाथरूम के थ्रू बाहर होना चालू होंगे। मात्र 4 से 5 दिन जब आप इसको लेते हुए हो जाएंगे तो 4 से 5 दिन के अंदर ही आपका सारा का सारा कचरा कोने कोने से ढूंढ के ये जो नुस्खा है इतनी ताकत वाला नुस्खा है कोने कोने में बिखरा हुआ पड़ा हुआ चिपका हुआ सारा का सारा विषैला तत्व जितना भी है उसको आपके मल द्वारों से यानी कि दोनों मल द्वारों से आपके शरीर से 4 से 5 दिन के अंदर बाहर करेगा, इतना ताकत ये नुस्खा रखता है। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल जरूर करिए, अपने शरीर को फौलादी बनाइए, ताकतवर बनाइए, अपने शरीर से बीमारियों का हमेशा के लिए खात्मा जरूर करिए। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपके बीच में हमेशा लेके प्रेजेंट होता हूँ यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।